बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी उमर फ्रॉम कार मास्टर। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे किया की उस गाड़ी की जो कि हाइब्रिड पाकिस्तान में लॉन्च होगी, और इसी तरह से जैसे कि टोयोटा अपनी गाड़ी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर रहा है हाइब्रिड, इसी तरह से किया ने भी सोचा है कि वो भी अपनी गाड़ी जो कि हाइब्रिड है और आप बिजली पे इसको भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि ई नीरो के नाम से है, किया ई नीरो के नाम से ये गाड़ी ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन चल रही है, और इसी तरह से इस गाड़ी को पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च कर दिया जाएगा आने वाले मतलब नवंबर या दिसंबर के अंदर इस गाड़ी को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। और इसी तरह से अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें उन दोस्तों के साथ जो नई गाड़ियाँ लेना चाहते हैं। और इसी तरह से बताता चलूँ कि इस चैनल के ऊपर आईफोन एक्स का गिव अवे अनाउंस किया गया है, जो कि 25,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर दिया जाएगा। अगर आपने गिव अवे में हिस्सा लेना है तो सब्सक्राइब करके नीचे कोई भी कमेंट कर दें, और इसी तरह से अगर आप फेसबुक पे हैं तो लाइक करके वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट कर दें, आप गिव अवे में हिस्सा ले लेंगे। जी हाँ, तो फ्रंट की बात करें गाड़ी की, तो फ्रंट इस गाड़ी का स्पोर्टेज का जैसी इसकी लाइट्स दी गई हैं, लेकिन बैक जो इस गाड़ी की है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाई गई है। इसकी लाइट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी हैं, आपको भी उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी होंगी, और एक यूनिक सा नहीं है इस गाड़ी का, एक यूनिक सी लुक है, मतलब स्पोर्ट लुक आ जाती है इस गाड़ी के अंदर, बहुत ही खूबसूरत लगती है, और ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर आके धूम मचा देगी। और इसी तरह से हम इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर हमें मिलेगा 1600 सीसी का इंजन, दो जो कि 140 हॉर्स पावर पैदा करेगा 6000 आरपीएम के ऊपर। और इसी तरह से हम इस गाड़ी के टॉर्क की बात करें तो वो तकरीबन 4000 आरपीएम के ऊपर 265 का टॉर्क पैदा करता है इसका इंजन, जो कि काफ़ी पावरफुल गाड़ी बना देता है और काफ़ी अच्छा टॉर्क बना देता है। और ऊपर से ये गाड़ी हाइब्रिड भी है, तो इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी काफ़ी अच्छी है, तकरीबन 20 से 24 किलोमीटर पर लीटर ये गाड़ी देती है। और इसी तरह से 5 सीट्स के अंदर ये गाड़ी आएगी पाकिस्तान के अंदर, और इस गाड़ी के 2 से 3 वेरियंट्स पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किए जाएंगे। और ये किया कि सब कम्पैक्ट क्रॉसओवर है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है, 2016 में इस गाड़ी को ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन लॉन्च कर दिया गया था, और किया ने अब सोचा है कि पाकिस्तान में अपनी एक हाइब्रिड गाड़ी भी लॉन्च करें वो, तो वो यही गाड़ी है जो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करेंगे। और इसी तरह से इस गाड़ी का जो ईवी वेरिएंट है, ई वेरिएंट और हाइब्रिड वगैरह वेरिएंट जो हैं वो अलग लॉन्च किए जाएंगे, और सादा वेरिएंट से अलग लॉन्च किए जाएंगे, प्राइसेस के उनमें फ़र्क होगा, जैसे कि अगर आप हाइब्रिड लेना चाहते हैं तो उसकी और प्राइस होगी, और इसी तरह से अगर आप नॉन हाइब्रिड लेना चाहते हैं तो उसकी अलग प्राइस होगी। फ्रंट की हम बात करें तो फ्रंट इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है, काफ़ी क्रोम यूज़ किया गया है, बैक में हमें वाइपर मिल जाएगा, शार्प फिनटीना मिल जाएगा, और इसी तरह से नायरो का हमें लोगो मिल जाएगा। और इस गाड़ी में हमें 6 कलर्स मिल जाएंगे, जिनमें ब्लैक, वाइट, रेड, ब्लू और ब्राउन कलर्स अवेलेबल होंगे। इसी तरह से इस गाड़ी के टायर साइज की बात करें तो वो हमें जो इसके रिम का साइज़ है वो 18 इंच के इसमें हमें रिम मिल जाएंगे। इस गाड़ी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 160-165 मिलीमीटर की इस गाड़ी की हाइट है, और जो कि पाकिस्तानी रोड्स के लिए काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो जापानी गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी नीचे लगती हैं, उनकी जो हाइट है वो 130 या 125 मिलीमीटर होती है, तो इसी वजह से वो गाड़ियाँ नीचे लगती हैं। मुझे फ्रंट इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है, और इसी तरह से हम बात करें इस गाड़ी के इंटीरियर की तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। मैं अभी आपको इस गाड़ी का इंटीरियर भी शो करूंगा, जिसमें हमें डिजिटल, फुली डिजिटल, जैसे कि मर्सिडीज़ वगैरह में हमें इंटीरियर मिलता है, ऐसे करके हमें इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर मिलेगा फुली डिजिटल, जो कि 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड शो करेगा, और इसी तरह से फ्यूल एवरेज वगैरह हर चीज़ हमें डिजिटली शो की जाएगी इस गाड़ी के मीटर के अंदर। इसके अंदर हमें इको और स्पोर्ट पावर वगैरह सारे मोड्स मिल जाएंगे। और इसी तरह से हम एयरबैग्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर हमें 7 एयरबैग्स मिलेंगे, और आप देख भी सकते हैं इस गाड़ी के अंदर हमें लाइट एडजस्टमेंट वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी, मतलब कि फीचर्स सारे इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। और इसी तरह से हम इस गाड़ी के प्राइस टैग की बात करें तो ये गाड़ी हमें मिलेगी 7 से 8 मिलियन के दरमियान, और इसका हाइब्रिड वेरिएंट की अभी मुझे प्राइसेस कंफर्म नहीं है, जब जैसे ही गाड़ी लॉन्च की जाएगी, क्योंकि किया का इतना प्राइसेस का भरोसा नहीं किया जा सकता, किया कुछ भी कर सकता है। स्पोर्टेज की प्राइस इन्होंने बिल्कुल अच्छी रखी थी, पिकांटो के बारे में आके तो इन्होंने 20 लाख रख के तो बहुत ज्यादती की आवाम के साथ, लेकिन अभी मैं इसकी प्राइस का आपको जो हाइब्रिड है उसका कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि उसकी प्राइस क्या होगी। जी हाँ, तो आए मैं आपको इसकी सारी स्पेक्स जो हैं वो
डिटेल से बता देता हूँ कि इसकी क्या क्या स्पेक्स हैं, इसकी क्या इंटीरियर एक्सटीरियर हमें दिया जाएगा। जी हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ किया नैरो की जो स्पेसिफिकेशन डायमेंशंस वगैरह हैं, इसकी इंजन की जो स्पेसिफिकेशन है सारी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ, जो कि इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप जाके खुद भी देख सकते हैं। इसी तरह से डायमेंशन में बात करें हम विड्थ वगैरह की, तो आपके सामने है 2700 मिलीमीटर इसकी टोटल विड्थ है, और इसी तरह से जो फ्रंट है इसका वो 870 मिलीमीटर है, और बैक जो है इसकी वो 785 मिलीमीटर है। और इसी तरह से हम बात करें इसकी बैक की जो मतलब के टोटल जो इसकी टायर टू टायर है वो है 1570 मिलीमीटर है तकरीबन बन रही, और इसी तरह से इसके बैक बहुत प्यारी बनाई गई है गाड़ी की। और इसी तरह से इसकी जो आगे से विड्थ वगैरह है और हाइट वगैरह है वो आप देख सकते हैं, 1545 मिलीमीटर है हाइट, और इसी तरह से 1555 जो विड्थ है, और इसी तरह से टायर साइज़ दिया गया है जो कि 18 इंच है, और इसी तरह से जो टोटल विड्थ है गाड़ी की और वो है 1805 मिलीमीटर। आप तीनों की डिटेल्स देख भी सकते हैं, आप इधर से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको इसकी ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप इधर से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका। तो आप गाड़ी के इधर से डायमेंशन वगैरह भी देख सकते हैं, ओवरऑल हाइट, ओवरऑल विड्थ, ओवरऑल लेंथ, व्हील बेस वगैरह आप देख सकते हैं, थ्रेड फ्रंट, थ्रेड बैक वगैरह, और इसी तरह से जो मेन मेन चीज़ें हैं, फ्यूल टैंक की इसकी कैपेसिटी है 45 लीटर की, और इसी तरह से ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, 107 मिलीमीटर ऊपर है। ओवरऑल जो जापानी गाड़ियाँ होती हैं वो तकरीबन 125 या 130 मिलीमीटर होती हैं, जो कि नीचे काफ़ी लगती हैं, लेकिन 160 काफ़ी ज़्यादा है, ये गाड़ी नीचे वगैरह नहीं लगेगी, काफ़ी अच्छी हाइट है इस गाड़ी की। लेगरूम भी इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और इसी तरह से हम नीचे आए इंजन की स्पेसिफिकेशंस की तरफ, तो जो इंजन आपको इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह जो इसमें मिलेगी वो भी आप देख सकते हैं, सारे आपको स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। और इसी तरह से 1.6 सीसी इंजन इसका अंदर आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी, लिथियम आयन पावर पॉलीमर बैटरीज मिलेंगे इसके अंदर, हाइब्रिड जो है बैटरी सिस्टम इसमें दिया जाएगा जो कि 1.56 किलोवाट की एनर्जी पैदा करेगा। और इसी तरह से मैक्सिमम पावर जो इस इंजन की होगी वो 105 होगी, और इसी तरह से RPM जो होगा वो 5700 होगा। इसी तरह से हम बात करें टॉर्क की, तो जो टॉर्क ये गाड़ी पैदा करेगी वो 15 किलोवाट का है, और इसी तरह से जो RPM है वो 4000 होंगे। व्हील्स की हम बात करें तो जो इसका सबसे नीचे वाला वेरिएंट होगा उसमें हमें 16 इंच के रिम्स मिल जाएंगे, और इसी तरह से जो सबसे ऊपर वाला मशीन फिनिश इसका नाम रखा गया है, जो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट होगा उसमें हमें 18 इंच के मिल जाएंगे टायर साइज़, आप देख भी सकते हैं। जो सही है कि दो तीन ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, ओवरऑल गाड़ियों में तो ऐसे होता है कि यहाँ तो उनमें स्टील के रिम्स दे दिए जाते हैं या रिम्स दिए नहीं जाते, और स्टील के दे दिए जाते हैं और उनमें रिम्स मिलते नहीं हैं, हमें ये अच्छा है कि हमें दो ऑप्शन मिल रही हैं, नीचे वाले में ये हमें कम अज़ कम अलॉय रिम्स मिल रहे हैं, कि ऊपर वाले में हमें ये मिलेंगे और नीचे वाले में हमें ये मिल जाएंगे। जी हाँ, तो स्पेक्स वगैरह आपने देख ली हैं सारी इस गाड़ी की, और आते हैं इस गाड़ी की थोड़ी बहुत जो स्पेक्स रह गई हैं। इस गाड़ी में हमें सनरूफ मिलेगा, उम्मीद है कि इस गाड़ी में हमें पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाए पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह से ये गाड़ी हमें ऑटो वेरिएंट के अंदर ही अवेलेबल होगी, और जो है इसकी LCD स्क्रीन है वो इसमें हमें 9 इंच की LCD स्क्रीन मिल जाएगी, और इसी तरह से हमें इसके अंदर स्टेयरिंग व्हील के अंदर सारे फीचर्स मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल वगैरह जितने भी फीचर्स होते हैं गाड़ी के अंदर। मीटर मुझे इस गाड़ी का बहुत ज़बरदस्त लगा है, आपको इसका मीटर कैसा लगा है मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बूट स्पेस जो है इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी दी गई है, 5 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, और इसी तरह से पीछे बूट स्पेस है। 1600 सीसी का आप इंजन इसका गाड़ी का देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी फिटिंग की गई है, एक बड़ा इंजन लग रहा है गाड़ी के अंदर जैसे रखा हो, और काफ़ी अच्छी फिटिंग के साथ आएगा। और इसी तरह से इंटीरियर के अंदर भी हमें इसके अंदर ऑटो एसी वगैरह, क्लाइमेट कंट्रोल, हर चीज़ वगैरह मिल जाएगी, इको हाइब्रिड वगैरह मॉडल इसके पाकिस्तान में जो आ रहे हैं उनके अंदर। और आप सीट्स देख सकते हैं इस गाड़ी में अंदर हमें लेदर की सीट्स मिलेंगी, और एयरबैग वगैरह को तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कितने मिलेंगे। और यार अगर आपको इस गाड़ी का वेट है तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके हिसाब से इस गाड़ी की क्या कीमत होनी चाहिए, हाइब्रिड मॉडल की क्या होनी चाहिए और नॉन हाइब्रिड की क्या होनी चाहिए, मुझे लाजमी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप किया पिकांटो की तरफ इंटरेस्टेड थे और उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए थी, लाजमी मुझे यार बताइएगा, मैं हर किसी को कमेंट का जवाब देता हूँ।
तो यार वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए वीडियो को यहाँ करते हैं ख़त्म। ऐसी ही न्यूज़ में लेके आता रहता हूँ तो डेली बेसिस के ऊपर। अगर आप गाड़ियों के शौकीन है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, गिवअवे में जरूर हिस्सा लें। मैं हाजिर हूँगा एक बेहतर अच्छी वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।